प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अभी तक राज्य में 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई है। प्रदेश में अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आंका गया है। प्रदेश की आर्थिकी कही जाने वाली कृषि और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है। राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और व्यावसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार राहत बचाव एवं पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री द्वारा आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौसम के अनुकूल होने पर संबंधित जिलों और विभागों द्वारा संपत्ति, पशुधन, आधारभूत संरचना और अन्य नुकसान का आकलन कर पुनर्निर्माण और उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को दिल खोलकर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में जनजीवन को पटरी पर लाते हुए सामान्य व्यवस्था बनाने संबंधी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि राहत कोष के लिए प्रदान की है। राज्य में एक अभूतपूर्व स्थिति बनी है। प्रदेश के लोग केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे पर है और देखना होगा कि वे दिल्ली से क्या सौगात प्रदेश के लिए इस आपदा की घड़ी में लेकर आते हैं।